एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो शिक्षक भर्ती 72825 में 12091 का मैटर है और 90105 है, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए तथा इसको शेयर करिए कि लोगों तक जरूर पहुंचे, सच्चाई जरूर जाने। क्योंकि याद करिए, 13 जो तारीख को जब सुनवाई थी मार्च में, और जो मेन जज थे अश्विनी कुमार मिश्रा जी के बेंच में लगी हुई थी, तो उस समय मैं कोर्ट में था। बहुत सारे लोग जो है रिवर फैला रहे हैं कि आज जो है बहस है, जो लड़के नहीं जानते हैं कोर्ट कचहरी के बारे में वो गुमराह हो जाते हैं। तो उनको स्पष्ट बातें बता दें, अब कोई सुनवाई 90105 या 12091 के मैटर में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। आदेश रिजर्व हो चुका है, आदेश कभी भी आ सकता है, इसका कोई अभी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम जो होता है 6 महीना, मिनिमम 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो ये है कि आदेश की बात कर रहे थे, कब आएगा? जब भी काज लिस्ट में आ जाएगी तब आ जाएगी। कुछ लोग यहां तक रूमर फैला रहे, मेरे पास बार बार फोन आ रहा है कि सर आज सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है। कुछ लोग क्या किए हैं, बाद में जगे हैं, लोगों को ये लगा कि नहीं अब डाल देना चाहिए, कुछ मिलने वाला है। अरे उन लोगों को, मूर्खों को बताना चाहिए, जब आपको फाइलिंग करनी चाहिए थी तो सुनवाई के पूर्व फाइलिंग करनी चाहिए थी। हो सकता है आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि जब आदेश रिजर्व हो गया उसके बाद आप लेके जा रहे हैं, यह जज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सुनवाई के पूर्व यदि आपकी फाइलिंग हो जाएगी तो जज साहब का एकदम जो है उसमें फिक्स रहेगा कि नहीं, जज साहब आपका जो है उसको टैग करेंगे और जो सारे आर्डर होंगे वो आप पे लागू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग जो है बाद में लेकर के जा रहे हैं कि अब हम लेकर के जा रहे हैं, केवल याची बना लिए हैं, अभी तक आप सो रहे थे, कहां थे? अगर यही अश्विनी मिश्रा साहब बोल देंगे कि अभी तक आप कहां थे, आदेश हो गया फिर आप फाइलिंग कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो ऐसे लोगों को हो सकता है वो डिसमिस भी कर दे, कोई सुनवाई नहीं होगी, केवल टैग हो सकता है या टैग रिजेक्ट हो सकता है, कोई सुनवाई नहीं है स्पष्ट शब्दों में। दूसरी बात यह है कि 90105 और 12091 के में क्या हो सकता है, तो आपको स्पष्ट मैंने शुरू से ही कहा है कि जब मैं सुनवाई में उपस्थित था, जो लोग सुनवाई में नहीं थे वो लोग वीडियो बनाते हैं, वो लोग उनको इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उनका चैनल चला है। कुछ लोग जो है याची बनाए, कोर्ट में मौजूद नहीं थे, बैठ करके आइए डाल रहे थे, वो लोग यूट्यूब चला रहे हैं। कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं 69,000 में, वो लोग कर रहे हैं। कुछ लोग घर पे बैठ करके फाइलिंग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। अब इसमें आप खुद आप डिसीजन लीजिए कि आखिर में उसमें मेन कौन है और कौन सुनवाई करा रहा, कौन मौके पर, वो सच बताएगा कि घर बैठ करके जो लोग काम कर रहे हैं वो बताएगा, क्योंकि वो तो सुन लेता है यूट्यूब पे ऐसे ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, लेकिन सच्चाई है कि वो था ही नहीं, ना उसमें इन्वॉल्व है, सुनी सुनाई बातों को वायरल करता है। रही बात आदेश में क्या आ सकता है, तो मेरा जो मत है पहले मैंने कहा, जो मेरा मत है कि 12091 के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। कुछ में कुछ क्या हो सकता है, हो सकता है काउंसलिंग की आदेश हो जाए। जब काउंसलिंग की आदेश हो सकती है, रही बात 90105 की, आपको आदेश में नहीं मिल सकता है। मैंने भूतपूर्व भी कहा था, क्योंकि अश्विनी कुमार मिश्रा जी उसमें कह रहे थे कि जब ये डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट में, और जो है उसमें आपको अगर हाई मेरिट थे तो आपको पार्टी बनानी चाहिए थी। तो स्पष्ट शब्दों में बता रहा है 90105 के मुद्दे में कोई अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, ये मेरा मत है। कारण यह है कि जब बहुत पहले ही हमने कहा था, जब 12091 का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय हम भी याची बन गए, और जिससे हम याची बने वो इतनी सारी संख्याओं में याची बनाया, लेकिन 12091 को चैलेंज नहीं किया। वो आज नौकरी कर रहा है फिर भी इस मैटर में कूद रहा है, यह स्पष्ट शब्दों में बता रहा है। तो उस समय धोखा खाया हुआ व्यक्ति जागरूक हो गया, नहीं अब हम अपने अधिकारों के लिए। दूसरी बात ये भी बता दें, सुप्रीम कोर्ट की मेरी तैयारी हो चुकी है, जैसे ही आदेश आएगा हम फाइल करेंगे। अब मेरा प्रेयर ग्राउंड हम क्या करेंगे वो हम ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि ये फाइल का मैटर है। दूसरी बात है कि यदि कुछ भी हो 12091 के साथ, अगर आदेश दे भी देती है डबल बेंच,
तब भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अंतिम हथियार है, सरकार वहां तक ही जाएगी। हमारा दूसरा मुद्दा है कि हाईएस्ट मेरिट है, कम मेरिट वाले का नाम है, इनको कुछ रिलीफ मिलेगा तो हमको भी मिलना चाहिए क्योंकि हाईएस्ट मेरिट है, और ये मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। दूसरा ये है कि कई आदेश ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर लो मेरिट का कोई भी व्यक्ति जो है नौकरी पाया हुआ है तो उसमें जो है हाईएस्ट मेरिट का व्यक्ति नौकरी करेगा। एक भर्ती परीक्षा, इसमें हम आपको बता दें, मेरे पास साक्ष्य है, जेई की परीक्षा 2015 में हुई थी यूपी में, तो जेई की परीक्षा हुई, उसमें लो नंबर वाला नौकरी पाया, मेरिट में आया, हाई नंबर वाले नहीं पाए, उसमें केस हुआ और वो लड़कों ने जीताबाद में वो लोग भी नौकरी पाए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो अन्य मुद्दों के लिए भी कल भी हम बताएंगे। कुछ तबीयत खराब था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब चलेगा। तो सभी साथियों से कहते हैं, सटीक जानकारी, अच्छी जानकारी के लिए जरूर वीडियो देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।